सुबह के बजे हैं 6 और फिर भी इतनी लेट सोया था, सवेरे ही जग चुका है। ये देखिए मच्छरदानी मैंने हटा दी। राम राम करो सबको जोर से, करिए राम राम जी। तो राम राम ले लियो भाई सारे के सारे इसकी। और अब इसको ब्रश कराएंगे और नहलाएंगे और इसके कपड़े लेकर आएंगे यहीं पे, और ऊपर से ये बिस्तर वगैरह भी हटाएंगे यहाँ से। और कुप्पी के कवर का काम इसका कंप्लीट हो गया था, बैग भी लग गया था, ये काम सब निपटा दी थी रात में ही। तो बैग इसका नीचे लेके चलूँगी और स्कूल में भेजने के बाद में करेंगे यहाँ से साफ़ सफाई, क्योंकि इधर भी कवर पर अभी बैग में से ना किताब निकल गई थी, मैंने कंधे पर टांग लिया। ये देखा नहीं, चैन नहीं बंद हो रही है इसकी। पेंसिल तो है, बैग भी लाना पड़ेगा यार उसका, क्योंकि बैग जो है इसका खराब हो चुका है वाला। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी गुड मॉर्निंग है 7 बजे से भी पहले वाले। तो चलो सबसे पहले तो एक ही काम रहता है रोज, फटाफट से रेडी करते हैं बच्चों को स्कूल के लिए। बेटे देखो सब रेडी हो रहे हैं, जल्दी से रेडी हो लो। हैं आपने तो अभी ब्रश किया, अभी टूथपेस्ट के झाग लग रहे हैं मुंह पे, जल्दी से नहा के आओ इधर। आ इसे जूते पहना दो, मैं इनका नाश्ता बना रही जब तक। जूते पहनने का भाई? हाँ। चलो पहले तो साफ करने पड़ेंगे थोड़े से। जूते कंफर्टेबल रहे इसके, सुबह सुबह चोट लगवा ली भाई तुमने। देखो बार बार सीढ़ियों पर जा रहा था और ये लग गई, सरसों का तेल लगाया अभी, ये गिरस लग गई जिन्ने पे भाई। चप्पल फिसले हैं तो आराम से देख के चलग रहा है ध्यान से, ठीक है। चलो अभी मेरा बेटा रेडी हो गया है, ये तो टूटी टूटी रहता है, आज लावेंगे चप्पल। सैटरडे को लाए नहीं थे हम जानबूझ के, मगर संडे में मंडे में लावेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा बच्चा नंदनी हमारे घर का है, और उससे बड़ा बच्चा आरुषि, दोनों रेडी हो गए हैं। अब बिल्कुल नाश्ते की वेट करेंगे ये। बेटा स्कूल में जाके सब कैसे करते हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्ते या राम राम? गुड मॉर्निंग। ऐसे हाथ करके करते हैं ना, मैं आई कम इन मैम ऐसे भी कहते हैं। सीख रहे हैं धीरे धीरे, है रट्टा मार रहे हैं जो भी सिखाया जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। मन लगता है वो स्कूल में आपका, है दोस्त बन गए आपके हैं? एक बना दोस्त। क्या नाम है उसका? उसका मुझे क्या पता, अभी नाम भी नहीं पता, लेकिन बन गया है। और इधर आरुष भी रेडी है, हैं वो लगा लिया टाइम टेबल बैग, हैं रेडी है, सबके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बैग लग चुके हैं इनके, अभी लगा के देने पड़ेंगे 2-4 दिन के लिए, और इन्हें समझ आ जाएगी धीरे धीरे, है भाई, ठीक है। और ये विशिल सीटी ये नहीं ले जाते स्कूल में, यहीं पर रख देना, ठीक है। ये गंदी बात होती है, ये नहीं ले सकते। चलो मैं देख लूँ आपका फटाफट से नाश्ता तैयार हो गया है नहीं हुआ है। मैडम जब मारती है, मैडम मैडम तो बहुत प्यार करती है वो नंदनी को, तो है ना सबको ही। खेलने का सामान वहाँ से, तो खेलने का सामान नहीं ले जाएगी सिटी में। खेलने तो सामान लेता था बच्चा, वो बच्चा भले ही, वहाँ बहुत सामान है खेलने के, है ना, बहुत सारे झूले खिलौने। मम्मी देखियो सीटी ले जाएगी घर पे। नहीं ले जा रही यार, है नींद आ रही तुझे तो, तो टूल आ रही, झपकी लग रही है, लेट सोई थी क्या? ना भाई ऐसे नहीं करते, हट जाओ से बैठे रहने दो। ये भी आ जाती है भाई ब्रेकफास्ट के वक्त, इसे पता है किस टाइम का स्कूल है, स्कूल टाइमिंग बच्चों से ज़्यादा इसे पता है कि ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा, और सुबह सुबह जो भी बनता है ये खाती है, ये आ जाती है डेली। बेटे पानी भर लिया बोतल में अपनी, हैं बोल के बताओ, हाँ जोर से, हाँ ऐसे बताते हैं, आपने भी भर लिया? अभी बैग कंपेयर कर रहे किस कितना भारी है। बेटे कोई बात नहीं, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कल तो बहुत भारी लग रहा था, आज कौन सी ताकत आ गई? कुछ भी भारी। मेरी बात सुनो, 3 कॉपी और रख दो। 3 कॉपी बेटे, कॉपी रख दो। कल इसकी सारी आ जाओ, चलो। क्या पानी की बोतल बाहर रखा करो, गोदी। ये देखो एक LKG का स्टूडेंट अभी गोदी जाता है वहाँ बस स्टॉप तक। सबके घर में घर का एक कोना वो ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं,
तो हमारे घर का भी ये वाला रूम कुछ ऐसा ही है, लेकिन फिर भी मैं इसमें बहुत हिसाब से जो है सारा सामान रखती हूँ। यहाँ पर मैंने एक ये रैक रखी थी ना, इसमें सारे जूते चप्पल सब बच्चों के लगा दिए हैं, जिससे कि ख़राब ना हो और ढूंढने में आसानी रहे। ये हमारी शादी का पुराना टीवी, घर पे तो आ गया था ना टीवी, तो उन्होंने फिर हमारा ये दे दिया, तो यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये पुरानी चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन इनके साथ में हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी रहती हैं। मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है इनके साथ में, देखने में मज़ा आता है, ऐसी बात नहीं, चलता है ये, आज तक एक बार भी ख़राब नहीं हुआ इन 15 साल में। तो चलो भाई, यहाँ पर कल बच्चों ने बहुत सारी पिंस वगैरह पड़ी हुई मिलेगी मुझे, तो मैं झाड़ू लेकर आ गई हूँ और इसे करते हैं अभी क्लीन, अभी कुछ इस तरीके से अस्त व्यस्त और थोड़ा सा संगवा देते हैं। और बाइक का चार्जर अभी नहीं मिला, मैं सोच रही हूँ इसके साइड के दोनों पहिए निकलवा के फिर ये बिल्कुल टोटल ऐसी हो जाएगी जैसे बैटरी वाली बाइक होती है, बैटरी वाली स्कूटी होती है। तो पहिए तो गुड्डू के पापा तो निकाल नहीं पाएंगे, मिस्त्री जी से निकलवाने पड़ेंगे। और ये देखो कितनी अच्छे से जो है रौनक लगी हुई है हमारे इस एरिए में, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, एक भी पौधा नहीं सूखने देती, बिल्कुल इतना ध्यान रखती हूँ बहुत ज़्यादा। और ये हमारा पुदीना भी हो जाएगा, अगर ये मुरझाता तो ऐसा लगता कि नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि ये हो जाएगा। ये देखो ये रेत ना बैठती है, मैंने खाद मिलाई थी इसमें, जहाँ भी गड्ढा हो रखा तो पानी में इसमें डेली सुबह के टाइम देखती हूँ। ये देखो ये आ गया, और इसको पकाना ज़रूरी है। वैसे तो अब ये आम हो गया, हर घर में मिलेगा, पहले देसी वाला मिलता था, लेकिन अब ये पहाड़ी वाला जो है ना हाइब्रिड वाला हर घर में मिलेगा। तो वही ये देखिए हो गया है यहाँ पर साफ एकदम, और इसे बंद कर देते हैं। अभी ना इसमें इतनी धूल मिट्टी नहीं जाती, जो बच्चे फैलाते हैं ना बस उतना ही होता है। और अभी मैंने उधर भी क्लीन कर दिया है, उधर की साइड में भी, और चलते हैं नीचे। सारा डस्ट साथ के साथ भरती जा रही हूँ इस तसले में, और ये झाड़ू अब जिन्ने पे लगाती जाऊँगी और इसे भी लेकर जाऊँगी। इतना सारा हो गया, मैंने इतना ज़्यादा वो नहीं किया जितना चिंकी ने किया। चिंकी ने बहुत सारी बुक्स पर अपने आप चढ़ाई ना जिलती, किताबों पर जिलती चढ़ाने का भी एक दिन होना चाहिए, जिस तरह हर चीज़ का डे मनाया जा, रोज डे, तो ये कवर डे मनाना चाहिए, है ना। इंडिया के हर घर में यही हाल है। अभी बज गए हैं 9, बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में फिर पूजा पाठ किए, नाश्ता किए। आज है चैत्र के माह की सोमती अमावस्या, आप सभी को सोमती अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि देवताओं पे जाएंगे, क्योंकि चैत्र अमावस्या जो है सबके यहाँ पर इसकी पूजा की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर आज नहीं जाया जाएगा क्योंकि हमारे परिवार में जो है कल ही एक बच्चे ने जन्म लिया है। तो काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारी ये गाँव में ससुराल पक्ष की तरफ से, तो जी इसलिए हम लोग नहीं गए, बस हमने गांव माता को जो है यहीं पे खाना खिला दिया। 5 गाय मैंने जिमा दी थी आस पड़ोस में, हमारी वाली गाय माता ने तो कुछ नहीं खाया। अभी जो है अपने घर के कामों में हम लोग लग जाते हैं, फिर बच्चों के आने का भी इंतज़ार करेंगे। आज तो जगह जगह भंडारे हो रहे, तो झाड़ू पोछा हमने कर दिया है, पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है, बस थोड़ा किचन का काम बाकी है। बर्तन तो साफ़ कर दिए थे तभी जब ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा मक्खी एकदम से कहाँ से आ गई। 6-7 महीने तक हमने मक्खी का चेहरा भी नहीं देखा, और अप्रैल के महीने में इतनी सारी मक्खी आया भाई। ये सोफे का कवर ना वाइट दिख ही रहा देखने से, नहीं तो इस पर ना इतनी पूरी तरीके से चिपकी पड़ी, रोज़ धोते धोते ही आला है। अब ये धुला वाइट डाला, वो वाला कवर भी, ये भी, और मेज का कवर भी, कुछ ना देसी नुस्खा बताइयो, घरेलू उपाय जो होते हैं वो बताइयो। पहले भी मैंने किए थे, उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो था नहीं, लेकिन अब की बार और करके देख लेंगे। एकदम से इनका प्रकोप जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा। क्या सुन रहे, छुप छुप कर सुन रहे पीछे, मैं क्या बात कर रही, क्या भले आदमन ऊपर से आया, मैं छुप कर क्या सुनूंगा तुझे। कभी मेरी चुगली कर रही है उनको, मुझे सारा दिन नु कहती रहे चुगली कर रहे चुगली कर रहे, मेरे मगर पास इतना काम कर लो, इतना वक्त है मेरे पास, मैं खुद की अपनी चुगली नहीं कर पाता कभी भी। और अभी घर में जाने का टाइम है, ये ले लिया इसने, जाना तो मुझे बहुत सवेरा था, क्योंकि वो बेचारा जिसका पेट सूख रहा हो इंतजार कर रहा होगा। रोटी तो मैं दे आऊं से, पर वहाँ के मारे हुए पड़ोसी नु गया है लगे गंदा कर रहे हैं, तो ये जी मगर इन्हें समझाई नहीं जा सकता। दरअसल क्या है उनकी, मुझे एक वो बनानी पड़ेगी टॉयलेट अलग से, एक वॉशरूम एक टॉयलेट वहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये इनकी आदत है कि जहाँ बिल्कुल साफ सुथरा करेंगे ना, झाड़ू मार के, चाहे वो सड़क है चाहे वो आंगन है,
वहीं पे जाके आ गएंगे, ये पिल्ले खुआ तो देना। बस इसी बात का दुख रहे, ये सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, है? सब पे हुकूमत चलावे। ओ दबंग खड़ा हो जा, खा ले कुछ, आ जा। राम की मुद्रा में यहाँ परछाई में पड़ा दीवार की, दूसरा नहीं दिख रहा वो कहाँ है, जिसके लिए ये लाया गया है लंच वो नहीं दिख रहा। चिलचिलाती धूप होने लगी है भाई, और ये इनकी मौसी, ये इनकी मौसी है, नई मौसी है इनकी, ये भी निकल आई, इसे भी दे दियो थोड़ा भोजन। और पूंछ हिलाने से पता चल जाता है, ये सिग्नल है इनका कि ये बड़े प्रेम की भाषा दर्शा रहे हैं अपनी तरफ से। और उसकी भी देखो, जब ये मूवमेंट करती है ना पूंछ ऐसे 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 ऐसे, समझ लो कि ये अपना प्रेम दर्शा रहे हैं। आ गया वो भी, आ गया आ गया आ गया, आ जा आ जा, दौड़ लगता हुआ आया। तो अभी फिलहाल यहाँ पे तीन थे, देख वो ये दबंग, ये दबंग, इसकी दबंग ही देख लो, ये ज्येष्ठ पुत्र है, देखो ये पड़ी ले, अपनी छोड़ गया उसकी पे भाग गया, ये दिक्कत है, इनकी दबंग ही निकालनी पड़ेगी। ओ थर्ड डिग्री दे दूंगा तुझे, तभी मन नगा क्या है, लाड़ प्यार का ज्यादा फायदा उठा रहा, बिगड़ गया तू, खा ले अंदर से भी, तू भी ज्यादा ना डरक रहे हैं, इतना डर ठीक नहीं है, तुझे एक दिन ड्यू पिलाना पड़ेगा, है डर के आगे जीत तभी बन पाएगी तेरी। आ जाओ, चलो भाई अब चलते हैं घेर में, धूप होने लगी है, चिलचिलाती पूरी, देखो गेहूँ की फसल बिल्कुल पक गई है, लगभग दो चार दिनों में इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। कहाँ जा रहा आगे आगे संदेश वाहक? यहाँ पे ठंडी हवा खाने के लिए आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे देखो चार पाई पे लेट रहा था भाई, और ये ढूंढते ढूंढते यहाँ से आ गई, ये नीचे थी, है क्या देख रही थी, टमाटर के पौधे, टमाटर के पौधे भी देख रही थी जो कल निकाल लेती है ना शाम के टाइम में, कभी सूख जाएगी, पानी उनमें लगा चुके हैं चाचा जी, और यहाँ पार की हवा लगती है, अभी गर्मी होने लगी, तापमान बढ़ गया है भाई, अप्रैल 8 हो चुका है आज, अभी लू स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन तापमान बढ़ा है, और ये देखो धूप जो है थोड़ी सी गहरी गहरी होने लगी है धूप, और यहाँ पे भाई देखो काम अब ये जब रुक जाता है ना तो पता नहीं चलता कितने दिन के लिए रुक जाए, इसकी यहाँ पे मार्बल की घिसाई भी होनी है, और घिसाई से पहले इनमें खिड़की दरवाजे नहीं लग सकते, ये काम भी होना है, कुछ दरवाजे मेन गेट का काम, दरवाजे का काम लटका हुआ है, कुछ पीछे काम होना है उसमें गार्डन में, तो भाई अभी पता नहीं कब शुरू होगा दोबारा से, कब मुहूर्त निकलेगा है, अभी गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी तो कम से कम 15-20 दिन कोई नहीं मिलने वाला है, न मिस्त्री न लेबर, तो सब गेहूं में लगेंगे भाई, गेहूं कटान में, तो अभी मुझे लगता है महीना भर लग जाएगा, और है फिर ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाएगी, गर्मी तो पिछली बार भी गर्मी में शुरू हुआ था, उससे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन गैप लंबा हो जाएगा है, इसलिए काम निपटने में भी देरी होगी, कुछ नहीं कर सकते भाई इसमें हम, बस यही है कि वेट कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं।